धमधा यहाँ से 7 किलोमीटर की दूरी पर है, गंडई 42 किलोमीटर। दोस्तों इस मंदिर का निर्माण हुआ था 1350 संवत ईस्वी में। चलिए अंदर चलते हैं और दर्शन करते हैं माँ महामाया के। जय माँ महामाया। संतान प्राप्ति मनोकामना देवी श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती श्री त्रिमूर्ति महामाया मंदिर, धमधा जिला दुर्ग छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ का धमधा अपने ऐतिहासिक तथ्यों और 13वीं शताब्दी के प्राचीन इमारतों के लिए प्रसिद्ध है। इन्हीं में सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है यहाँ का त्रिमूर्ति महामाया मंदिर। यह मंदिर भारतवर्ष के सबसे अनोखे मंदिरों में से एक है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ के दर्शन करने से भक्तों को माँ वैष्णो देवी के दर्शन जैसे ही फल लाभ मिलते हैं। महीना है जुलाई का, तारीख है 13, दिन है मंगलवार, समय है सुबह का, टाइम हो रहा है 9:50। मैं हूं अमन शर्मा और आप देख रहे हैं CG04 बस फीड। और दोस्तों आज के सफरनामे में यह है हमारी हम सफर, हमारी क्वीन एनीज रिवेंज। धमधा यहाँ से 7 किलोमीटर की दूरी पर है, गंडई 42 किलोमीटर। कबीरधाम अर्थात कवर्धा है 84 किलोमीटर की दूरी पर, बेमेतरा है 50 किलोमीटर। और अगर आप इसी रास्ते पर सीधे चलते चले जाएंगे तो 144 किलोमीटर की दूरी पर आ जाएगा कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा नेशनल पार्क। चलिए तो फिर सफ़र को शुरू करते हैं। धमधा क्षेत्र दुर्ग जिले के अंतर्गत आता है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से इसकी दूरी महज 47 किलोमीटर की है। प्राचीन काल में धमधा क्षेत्र में गोंड शासकों का राज था और उनके द्वारा इस क्षेत्र में बहुत सी ऐतिहासिक इमारतें बनवाई गई थी जो लगभग 400 से 700 वर्ष तक पुरानी हैं। वर्तमान समय में भी उन प्राचीन इमारतों में से माँ महामाया का मंदिर, यहाँ का प्राचीन किला बूढ़ा देव मंदिर और चौखड़िया कुंड आदि दर्शन योग्य हैं। धमधा के महामाया मंदिर में 3 देवियों का संगम है। यहाँ के गर्भगृह में 3 देवियों महाकाली महालक्ष्मी और महासरस्वती की स्थापना है। तीनों देवियों के एक साथ साकार रूप में दर्शन देश में विरले ही देखने को मिलते हैं। जम्मू कश्मीर के वैष्णो देवी में यह तीनों देवियां पिंडी रूप में विराजमान हैं, जबकि यहां तीनों मूर्ति स्वरूप में विराजमान हैं। दोस्तों ये है धमधा का महामाया मंदिर। यह त्रिमूर्ति महामाया मंदिर है और छत्तीसगढ़ के सबसे प्राचीन मंदिरों में से एक है और इस मंदिर की महत्ता बहुत ही अधिक है। दूर दूर से लोग इस मंदिर के दर्शन करने आते हैं। यहाँ पे आप जो भी मन्नत मांगते हैं माता उसे पूरी करती है। मुख्य द्वार के पास आप देख सकते हैं दोनों तरफ ये पुराने किले की दीवार है। माँ महामाया का यह मंदिर वास्तव में प्राचीन किले के प्रांगण के अंदर ही आता है और यह प्राचीन किले के मुख्य द्वार के समीप स्थित है। हालांकि अब प्राचीन किला बहुत ही जर्जर अवस्था में है और यहाँ जाना प्रतिबंधित है। यहाँ लिखा हुआ है जूता चप्पल यहाँ पे उतारना है अनिवार्य है और किसी भी मंदिर पे आप जाते हैं यही नहीं, आपको जूते चप्पल बाहर उतारने चाहिए। मैंने अपने जूते यहाँ उतार दिए। ये खड़ी है हमारी बाइक, हमारे आज के सफ़रनामे की हमारी हम सफ़र, हमारी क्वीन एनीस रिवेंज, हमारी बजाज एवेंजर 150 स्ट्रीट। पीछे एक सैडल बैग मैंने बांधा हुआ है बंजी कॉर्ड से, हेलमेट है, बस ज़्यादा कुछ नहीं है। तो ये है धमधा का खूबसूरत सा त्रिमूर्ति महामाया मंदिर।
और इसे श्री त्रिमूर्ति महामाया बूढ़ा देव मंदिर भी कहते हैं। माता यहाँ महाकाली, महासरस्वती और महालक्ष्मी के स्वरूप में विराजमान हैं। दोस्तों, जैसा हमने रतनपुर की महामाया मंदिर में भी देखा था कि एक ही मूर्ति में आपको माता के तीनों स्वरूप के दर्शन होते हैं, यह मंदिर बहुत ही प्राचीन है और यहाँ पे मंदिर की पुरानी दीवारों के कुछ अवशेषों को अभी भी संरक्षित करके रखा गया है। आसपास आप देख सकते हैं बहुत ही शांत माहौल है। सामने राधा कृष्ण का मंदिर है, इधर एक तालाब है और इधर मुझे गांव के कुछ पुराने मिट्टी वाले घर भी दिख रहे हैं और आज के ज़माने के नए सीमेंटेड घर भी दिख रहे हैं। चलिए अंदर चलते हैं और दर्शन करते हैं माँ महामाया के। जय माँ महामाया। पांडुलिपि के अनुसार माता ने गोंड जमींदारी के 10वें राजा राजा यशवंत सिंह की माता, जो राजपाट में भी विशेष योगदान देती थी, उन्हें स्वप्न में दर्शन दिए और बताया कि वह किले के सिद्वार के पास भूमिगत हैं और उनकी खुदाई कर उनकी यहाँ स्थापना की जाए। जब वहाँ खुदाई की गई तो एक मूर्ति मिली जो मुख से नाभि तक थी, और खुदाई की गई तो उसका कोई छोर नहीं मिला। इसके कुछ दिन बाद रानी को फिर से स्वप्न आया कि महालक्ष्मी की प्रतिमा धमदा से 7 किलोमीटर दूर शिवनाथ नदी के पास है, उसे लाकर स्थापित करो। तथा तीसरी मूर्ति का स्वप्न आया कि वह इमली पेड़ के नीचे है। राजा ने तीनों मूर्तियों की स्थापना करवाई, जिसके बाद यह त्रिमूर्ति महामाया मंदिर कहलाने लगा। मंदिर का कायाकल्प होता रहता है और इसीलिए आप आज इस मंदिर का जो इंफ्रास्ट्रक्चर देखेंगे वह आज के ज़माने के हिसाब से नया बनाया हुआ इंफ्रास्ट्रक्चर है, लेकिन अंदर का जो मुख्य गर्भगृह है और माता की जो मूर्ति है और मंदिर के बहुत से हिस्से, यहाँ तक कि इस मंदिर के अंदर के प्रीमाइसेस के जो पिलर्स वगैरह हैं, वो सभी कम से कम 600-700 साल पुराने हैं। यहाँ भगवान गणेश जी की मूर्ति है, जय गणपति बप्पा। भगवान बजरंगबली का मंदिर है, यह जय बजरंगबली भगवान। आइए अब अंदर चलते हैं और दर्शन करते हैं माँ महामाया के। जय माँ महामाया। दोस्तों, ये है माँ महामाया का मंदिर। ये पिलर्स आप देख रहे हैं, ये पत्थर के बने हुए पिलर हैं और इन्हीं स्तंभों पे बना हुआ था प्राचीन मुख्य मंदिर का ढांचा, जो लगभग 650 साल पुराना था। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ माँ महामाया महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती के स्वरूप में विराजमान है। आप छत्तीसगढ़ के किसी भी क्षेत्र पे चले जाएं, अगर आप माँ महामाया के मंदिर जा रहे हैं, उस मंदिर की एक बहुत खास विशेषता होती है दोस्तों, आप कभी भी गर्भगृह के बाहर से जब माता के दर्शन करेंगे तो आपके माता के तीनों स्वरूप में से सिर्फ दो के एक साथ दर्शन होंगे, तीसरे के लिए आपको या तो गर्भगृह के अंदर जाना होगा या माता की जो मुख्य पिंडी होती है उसके पीछे होता है। रतनपुर में माँ महामाया के जो मुख्य पिंडी है गर्भगृह के अंदर, उसमें आपको एक साथ सिर्फ दो देवियों के दर्शन होते हैं और तीसरी जो माँ सरस्वती की जो मूर्ति है वो उनके पृष्ठ भाग पे है। ठीक उसी तरह यहाँ से जब आप देखते हैं आपको अभी दो मूर्तियों के दर्शन हो रहे हैं और तीसरी मूर्ति ये देखिए दोस्तों, तो ये इस तरह से तीन मूर्तियाँ आपको एक साथ दिखेंगी, महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती की। धमधा के आयुर्वेद में विशेषज्ञ रहे स्वर्गीय रामजी अग्रवाल की पांडुलिपि के अनुसार माता ने महारानी को रात में स्वप्न दिए और यह तीनों मूर्तियां अलग अलग स्थान से खुदाई में प्राप्त हुई, जिनके बाद उन सब की यहां एक साथ स्थापना की गई।
दोस्तों इधर माता की आरती लिखी हुई है, उनकी पुष्पांजलि आदि के श्लोक वगैरह लिखे हुए हैं, इधर अम्बा जी की आरती लिखी हुई है और यहाँ माँ दुर्गा के 32 नाम लिखे हुए हैं। बगल में माँ दुर्गा का मंदिर है। धमधा के गोंड शासकों को पंच भैया राजा कहा जाता था। यह रतनपुर राज की एक जमींदारी थी। इसकी ख्याति दूर दूर तक थी। इसी वजह से छत्तीसगढ़ में रतनपुर के बाद धमधा सबसे प्रचलित नगरों में से एक माना जाता था। इस तरफ जब आप आएंगे तो यहाँ पे माँ कंकाली माता की मूर्ति है। जय माँ कंकाली। केंद्रीय गोंड महासभा धमधा के पदाधिकारियों की सूची एवं जिला, तो ये एक तरीके का सामुदायिक भवन बनाया गया है यहाँ पे गोंड समाज के लिए। और यहाँ पे समय समय पे शायद लोगों की गैदरिंग होती होगी कि मंदिर से रिलेटेड या समाज से रिलेटेड किसी विषय पे चिंतन मनन करने के लिए लोग इकट्ठा होते होंगे। दोस्तों ये है वट सावित्री का मंदिर। ये वट वृक्ष है और सामने आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है वट सावित्री। इस तरफ भगवान श्री भैरवनाथ जी का मंदिर है। सन 1910 में दुर्ग जिला गजेटियर में प्रकाशित हुए पूर्व ब्रिटिश अधिकारी ए.ई. नेल्सन के लेख की माने तो धमधा की महत्ता इस बात से साबित होती है कि रायपुर की दिशा बताने के लिए धमधा रायपुर कहा जाता था। धमधा के गोंड सरदार, जिन्हें पंच भैया के नाम से भी जाना जाता था, ऐसा माना जाता है कि ये पांचों भाई एक दूसरे के ऊपर चढ़कर युद्ध करते थे, जिसकी वजह से अच्छे अच्छे योद्धा भी इनके सामने परास्त हो जाते थे। उन्होंने रतनपुर राज्य की रक्षा के लिए अनेकों युद्ध में अपनी भागीदारी भी दी है। मंदिर प्रांगण में महामाया मंदिर के ठीक पीछे गोंडवाना समाज का बूढ़ा देव मंदिर निर्मित है। इसके सामने पत्थरों से बने 12 स्तंभों का एक मंडप भी है। दोस्तों ये बूढ़ा देव मंदिर है और सामने आप देख सकते हैं मंदिर प्रांगण के अंदर में बूढ़ा देव जी की मूर्ति है। सामने ये जो दो द्वारपाल हैं, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यह पुरुष की आकृति है और यह एक स्त्री की मूर्ति है। और यहाँ खड़े होने के बाद ऐसा लगता है कि ये जो दोनों द्वारपाल हैं ये साक्षात आपको ही देख रहे हैं। इनकी आंखें जैसे लगातार आपको देखती चली जा रही हैं। यहाँ के पुराने मंदिरों के अवशेषों को जितना अधिक से अधिक बचाने की कोशिश की गई है और उन्हीं अवशेषों के ऊपर ही नए मंदिर का निर्माण किया गया है। इतिहास के उन पन्नों को आज भी संजो के रखा गया है जो 600-700 साल पुराने हैं और हमारे छत्तीसगढ़ की धरोहर हैं। दोस्तों अगर मैं ओवरऑल मंदिर कैंपस की बात करूं तो बस इतना ही है जितना मैंने आपको दिखाया था। मेरे पीछे आप देख सकते हैं वो रहा वट वृक्ष, ये मुख्य मंदिर का पृष्ठ भाग, ये भगवान बूढ़ा देव का मंदिर और इधर ज्योत कलश के कक्ष है। महामाया मंदिर परिसर में हर संभव प्रयास किया गया है कि गोंड समाज के प्राचीन इतिहास को, प्राचीन धरोहर को बहुत ही संभाल कर रखा जाए और इसीलिए जहाँ जहाँ संभव हो सका है प्राचीन स्तंभों को आधार बनाकर ही नई इमारतें बनाई गई हैं। धमधा नगर के मध्य में चौखड़िया नाम का एक कुंड है जो बहुत प्राचीन है। इसके बीच में एक स्तंभ है जिसके ऊपर 4 सर्प फण का अंकन है जो आपस में कलात्मक ढंग से गुथे हुए हैं।
इसके सिर पर मणि एवं कलश की आकृति बनी है। इस स्तंभ में पहले एक ताम्र पत्र भी जड़ा हुआ था जिसे शरारती तत्वों द्वारा उखाड़ दिया गया था। हालांकि ताम्र पत्र के किनारों के टुकड़े आज भी स्तंभ में नजर आते हैं। चौखड़िया तालाब के तट पर दो प्राचीन मंदिर हैं। इनमें से एक मंदिर का शिखर खंडित है। शिव मंदिर में शिवलिंग और चतुर्भुजी मंदिर में विष्णु की मूर्ति स्थापित है। यह दोनों प्राचीन स्मारक छत्तीसगढ़ शासन के पुरातत्व विभाग द्वारा संरक्षित हैं। दोस्तों, बूढ़ा तालाब और प्राचीन किला दोनों ही काफ़ी जर्जर स्थिति में हैं, इसीलिए मैं आपको दूर से ही वह किला दिखा रहा हूँ। पास जाने की अनुमति अब वहाँ नहीं है क्योंकि वह कभी भी गिर सकता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमन शर्मा और आप देख रहे हैं CG04 बस फीड। दोस्तों, धमदा के माँ महामाया मंदिर का यह वीडियो अगर आपको पसंद आया हो, अगर आपको ऐसा लगे कि इस वीडियो से आपको छत्तीसगढ़ के प्राचीन इतिहास के बारे में कोई जानकारी मिली हो, तो कृपया इस वीडियो को लाइक कर दें और अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर करें ताकि वो भी छत्तीसगढ़ के इतिहास के बारे में जान सकें। दोस्तों, अगर आप पहली बार इस वीडियो के ज़रिए हमारे चैनल CG04 बस फीड के साथ जुड़ रहे हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम इसी तरह से छत्तीसगढ़ के प्राचीन और दार्शनिक स्थलों के वीडियोस लेकर आपके लिए आते रहते हैं। दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि कोरोना गाइडलाइंस का पालन कीजिए, जितना अधिक से अधिक हो सके घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अमन शर्मा आपसे अलविदा लेता हूँ और मिलता हूँ अगले किसी अच्छे से वीडियो में।